1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के किसी भी सदस्य द्वारा कोई आपत्ति नहीं जताई गई, तो 13 मार्च को दोपहर 3 बजे तक जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह प्रस्ताव पुलवामा आतंकी हमले के बाद जैश ए मोहम्मद JMM के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा प्रस्ताव लाया गया है। इस हमले की जिम्मेदारी JMM ने ली थी। पठानकोट आतंकी हमले के बाद मसूद अजहर के खिलाफ यह प्रस्ताव चौथी बार लगाया गया है। पिछले सभी मामले में चीन इस प्रस्ताव पर तकनीकी रोक लगा चुका है। सूत्रों के अनुसार चीन का तर्क है कि मसूद अजहर को JMM से ताल्लुक रखने के पर्याप्त सबूत या जानकारी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि अशोक मुखर्जी ने इस प्रक्रिया को समझाते हुए कहा, अगर साइलेंस पीरियड जिसमें सुरक्षा परिषद का कोई सदस्य आपत्ति उठा सकता है 13 मार्च को खत्म हो जाता है, तो मसूद अजहर को 1267 प्रतिबंध सूची में शामिल कर दिया जाएगा। प्रतिबंध समिति द्वारा उसे सूची में रखे जाने के बाद काउंसिल द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया जाएगा।